जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई जान? ठीक है। सब मेरे दोस्तों को सलाम के बाद अर्ज़ ये है कि एक बात करना चाह रहा था मैं अली शेखानी साहब के बारे में। अली शेखानी साहब के बारे में मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं और अल्लाह पाक ने उनको इतना अता किया है कि वो लोगों को देना जानते हैं, कि जो अल्लाह के अता किए हुए में से है वो लोगों को किस तरह बांटना है। तो वो माशाल्लाह इतना कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, इतना कुछ कर रहे हैं। मुझे मैं अभी थोड़े दिन पहले वो JDC वाले भाई हैं उनका सुन रहा था कि किसी बंदे ने ख्वाहिश जाहिर की कि मैंने उम्रा पे जाना है, तो उन्होंने फ़ौरन जनाब वो चेक निकाल के दे दिया, अमाउंट निकाल के दे दी। फिर किसी भाई कोई रमज़ान में वहाँ पे अफ्तारियों में अफ्तार बांट रहा था, उनके जो लगते हैं अफ्तार दस्तरखान वहाँ पे, तो उसने ख्वाहिश जाहिर की वो JDC वाले भाई से, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे जाना है इस तरह। तो उन्होंने अली शेखानी साहब से तذکرہ किया, तो वो फ़ौरन उन्होंने कहा जी कहाँ है भाई, ये पकड़े आप जाएंगे टूर पे। फिर ईद के रोज़ जो एक कराची में एक डकैती की वारदात हुई, जिसमें बंदा मर्डर कर दिया उन्होंने, एक ही वाहिद कफील था अपने घर का, तो उनको उन्होंने लाइक इमदादी चेक दिए, 1.5 करोड़ का फ्लैट, उनके अपना घर नहीं था उनके पास, 1.5 करोड़ का फ्लैट जो था ना उन्होंने गिफ्ट किया उनको, तो उनके बच्चों को उनकी फैमिली के लिए। तो ऐसे लोग जो हैं जो ढके छुपे अंदाज में कर रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको और अता करे। और मुझे बड़ी खुशी हुई मैंने जब ये सुना, तो मैं अपने YouTube चैनल के तवज्जो से मैंने कहा एक वीडियो TikTok पे और एक वीडियो YouTube पे ज़रूर डालूँ मैं अली शेखानी भाई के लिए, क्योंकि मेरा नाम भी अली है, तो सेम नेम की वजह से मैंने कहा मैं भी उनका शुक्रिया अदा करूँ जो वो लोगों के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह पाक उनको मज़ीद हिम्मत और हौसला अता करे कि वो मज़ीद इस तरह लोगों की मदद करते रहें, लोगों का ख्याल करते रहें और इसी तरह लोगों के काम आते रहें। इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा कम रह गए माशरे के अंदर। एक हमारे माशाल्लाह एडी साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता करे, उन्होंने इंसानियत की बड़ी खिदमत की है, और वो कोई नहीं देखते थे कि इसका मज़हब क्या है क्या नहीं है। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने इंसानियत की बहुत मदद किया, जो इंसानियत की बहुत मदद की है, क्योंकि हमारा जो मज़हब है वो भी इंसानियत का ही दर्स देता है सबसे पहले, तो उन्होंने इंसानियत की बहुत ज़्यादा मदद की है एडी साहब ने। तो माशाल्लाह इस तरह के लोग जो साहिब इस्तात हों उनको आगे आना चाहिए लोगों की मदद के लिए, जहाँ तक वो जितना लोगों के लिए कर सके। मैं वीडियो नहीं बनाई कभी किसी के ऊपर, मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे कानों में ये आवाज़ पड़ी, ये नाम पड़ा अली शेखानी, तो और उनके बारे में जो मैं सुनता रहा हूँ थोड़े दिन से, तो माशाल्लाह मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है माशाल्लाह मुझे, कि ऐसे लोग हमारे माशरे में मौजूद है जो लोगों का ख्याल करना जानते हैं। मतलब ऐसे मुंह से बंदा ख्वाहिश निकाल रहा है पूरी करेगी ना, अल्लाह पाक के तवस्सुत से अल्लाह ने अता किया है तो वो आगे बांटना जानते हैं। बेसिकली हमारा मज़हब भी इस चीज़ का दर्स देता है कि जो अल्लाह ने आपको जितना अता किया उसमें से देना सीखो, वो डबल ट्रिपल हो के 10 गुना ज़्यादा होकर आपको मिलता है डिफरेंट वेज से। तो माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस तरह के लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं अभी भी, और वो बांटना जानते हैं अल्लाह के दिए हुए में से, क्योंकि इंसान का ख़ुद तो कुछ भी नहीं है, इवन हमारी सांसें भी खुद की नहीं है, तो वो अल्लाह के दिए हुए में से देना जानते हैं। तो मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक जो है अली शेखानी भाई को और JDC वाले भाई साहब को, अब्बास साहब आई थिंक उनका नाम है, मुझे उनका नाम जहन में नहीं आ रहा, तो उनको भी अता करे उनके तवज्जुद से। मैं कह रहा हूँ कि सब लोगों को जो भी लोग साहिब इस्तात रखें उनको अता करें माशाल्लाह, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको मज़ीद दे और ये मज़ीद लोगों को देते रहे। बहुत शुक्रिया जी आपका, जजाकल्ला, दुआ में याद रखिएगा, जजाकल्ला।